जैसा आप बना सकते हैं वो एक सैंपल फ्लैट है। अब जैसे बिल्डर देगा क्लाइंट को वो इस तरीके से देगा, जैसे कि दरवाजे लगे हुए, वुडन फ्लोरिंग हो रखी है, बालकनी का पता है, इधर से आ जाता है बालकनी का पता है, बैकसाइड बालकनी है, एंड यहाँ से मिलने वाला है आपको स्विमिंग पूल का एक व्यू। और इसी के साथ ये वॉशिंग एरिया है। Thank you.
इसी के साथ ये वॉशिंग एरिया मिलने वाला है। ग्लास मिलेगा इसी के साथ। सेकंड रूम में एंट्री हो गया। इसको डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये किचन का लेआउट मिल रहा है। इसमें मॉडल किचन है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको मिलने वाला है, होम मिलने वाला है, चिमनी मिलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी के सारे परमिशन है। वॉशरूम में आपको मिलने वाला है जो बिल्डर की है। आप तो देख सकते हैं, आप ये वेंटिलेशन है, स्विमिंग पूल का तो देख ले भाई बाप। जैसे उस वाले वॉशरूम का जो लेआउट है वो अलग है, मार्बल वहां पर अलग लगा हुआ है, इस वाले वॉशरूम में अलग लगा हुआ है। मतलब सेम, मैं ये देख रहा हूँ सैंपल फ्लैट भी ना वॉशरूम्स में, मतलब टाइल्स वगैरह का जो प्रोविजन है ना वो सेम है जो सैंपल फ्लैट में और जो एक्चुअल फ्लैट मिलने वाला टॉयलेट में। हर रूम के साथ बालकनी रखा है, किचन एरिया के साथ वो सुपर एरिया है जिसमें से जो कारपेट एरिया है 1039.30, बालकनी एरिया है 224.53 और इसी के साथ आपको जो इसके अंदर फैसिलिटीज मिलने वाली है, लिविंग रूम, बेडरूम, मॉडुलर किचन, टॉयलेट, बालकनी, लिफ्ट, लॉबी, ट्यूलिप लीफ के साथ ये प्रोजेक्ट है। टोटल जो यूनिट्स है वो 20 फ्लोर है, 20×4=80 यूनिट्स। जो एक फ्लोर पे है वो टोटल 4 यूनिट्स अवेलेबल है और 3 BHK अपार्टमेंट है।